हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to π। टुडे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन चल रहा है आपका -1 से 2 fx dx। फंक्शन क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे मैं वो बताऊंगी, आपको लेंथी मेथड भी बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहता है इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करोगे। देखिए, कभी भी इंटीग्रेशन गिवन हो a से b मॉडुलस ऑफ x माइनस c, और याद रखना c कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, c लाइज करना चाहिए a से b के बीच में, या इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, या तो a के इक्वल हो या b के इक्वल हो, या इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करे c, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या कहती है, b में से c माइनस कर दीजिए, b माइनस c उसका स्क्वायर प्लस, अब a में से c माइनस कर दीजिए, a में से c करोगे तो a माइनस c का स्क्वायर अपॉन में 2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये है आपकी ट्रिक। अगर c लाई करता है a और b के बीच में तो आप क्या करोगे, b में से c माइनस करोगे उसका स्क्वेयर करोगे, a में से c माइनस करोगे उसका स्क्वेयर करोगे अपॉन में 2 कर दोगे। ये क्या है, आपका डायरेक्ट ट्रिक है। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करूँ अगर इसी ट्रिक से, तो कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन -1 से 2, मैं इसको ब्रेक करके लिख लेती हूँ इंटीग्रेशन हर एक के साथ। मैं x प्लस 1 को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ कि बीच में माइनस का साइन आए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1। ठीक है, इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन -1 से 2, मॉडुलस ऑफ x है तो मैं x माइनस 0 कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए यहाँ पे, तो वो हमारे पास है ऑलरेडी। देखो, अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे c क्या है, आपका -1, यहाँ पे c क्या है 0, यहाँ पे c क्या है 1। अब -1 क्या है, -1 और 2 के बीच में लाई नहीं करता, या इसके इक्वल नहीं है, या आप बोल सकते हो a के इक्वल आ गया c, a के इक्वल आ गया c, यही तो है। या तो c क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या a और b के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ये आपका b है, ये आपका a है। ट्रिक क्या कहती है, b माइनस c 2 माइनस माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस a माइनस c माइनस का 1 और माइनस माइनस 1 अपॉन में 2 हो गया ये प्लस। अब b तो 2 है आपके पास, c भी तो देखो इसके बीच में लाई कर रहा है, -1 लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, 0 आता है ना -1 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो आप। ट्रिक अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 ही हुआ, उसका स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये माइनस करो, -1 में से 0 माइनस करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा अपॉन में 2 प्लस। अब सिमिलरली 2 में से क्या माइनस करोगे, 1, क्योंकि देखो -1 और 1 के 2 के बीच में 1 भी तो लाई करता है, तो ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस करोगे तो उसका स्क्वायर प्लस, अब इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस के 1 में से माइनस का 1 करना है इसका स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो 9/2 प्लस, ये हो गया 4 प्लस 1 5, 5/2 प्लस, यहाँ पे आया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 19/2। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ट्रिक अप्लाई करके आप देख सकते हैं, आप एक सेकंड में बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इस फॉर्मेट का आता है तो।
फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखी है शॉर्ट ट्रिक की, अगर आपको इसी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं मॉडुलस के बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। अब चलते हैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन, अगर किसी को करना हो तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर मेथड से देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले जो फंक्शन एफ एक्स है उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखो आपको लिमिट ब्रेक करनी होगी माइनस वन से ज़ीरो में, ज़ीरो से वन में और वन से टू में, ठीक है। तो देखो जब माइनस वन से ज़ीरो के बीच में जब आप लिमिट ब्रेक करते हो तो आप नोटिस करोगे, देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जीरो से स्मॉल के लिए, जीरो से स्मॉल के लिए ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, तो ये नेगेटिव लिया। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब जीरो से वन के अंदर करोगे तो देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जीरो से बड़े की बात कर रहा है, लेकिन ये वाला फिर से क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली वन से टू के अंदर करोगे तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वन से टू में। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टू माइनस एक्स हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, इनको ऐड करोगे ये हो जाएगा। अब लिमिट आपके पास पता ही है, माइनस वन से ज़ीरो के अंदर फंक्शन की वैल्यू टू माइनस एक्स है तो ये कर देना, ज़ीरो से वन के अंदर एक्स प्लस टू है और वन से टू के अंदर कितना है, थ्री एक्स। इंटीग्रेशन सबको करना आता है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है ये, आप अपने आप कर लेना। आप आंसर चेक करोगे 19/2 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स जैसे आपको अच्छा लगे, किसी को शॉर्ट ट्रिक से अच्छा लगता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास ये प्रॉपर मेथड तो है ही, जिसको जो सुटेबल लगे वो कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन तो दिख नहीं रहा हमें कि हम x को क्या पुट करें, ये भी नहीं दिख रहा। अगर स्क्वेयर होता तो भी हम सोचते, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है। हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करें, अगर मैं x की क्यूब में प्लस का वन ऐड कर दूं और माइनस का वन कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में x प्लस वन, ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको क्या करती हूँ, देखिए x की क्यूब ब्रेक करके लिख लेते हैं, अपॉन में x प्लस वन डी एक्स को अलग से लिख लेते हैं, माइनस का वन अपॉन इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये अलग अलग से लिख लिया। अब देखो ये ए की क्यूब जमा बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ए की क्यूब जमा बी की क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया है और कुछ नहीं, डी एक्स तो साथ में चलेगा ही कहीं पे, मैं अगर लिखना भूल भी जाऊँ फ्रेंड्स तो समझ जाना कि यहाँ पे डी एक्स तो होगा ही होगा एज इट इज। कभी कभी जब समझाने के चक्कर में मैं लिखना भूल जाती हूँ, ठीक है। अब देखिए आप एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन साथ में डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, एक्स की क्यूब बाय थ्री, इसका एक्स स्क्वेयर बाय टू, वन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस वन और सम कॉन्स्टेंट नंबर साथ में आता ही है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, इंटीग्रेशन टेन की पावर एट एक्स सीकेंट की पावर फोर एक्स डी एक्स। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको एक चीज़ तो पता है कि अगर आप टेन एक्स को टी पुट करोगे, अगर आप टेन एक्स को टी पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल आ जाएगा। ये बात तो आपको पता है कि टेन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हो सीकेंट स्क्वेयर के इक्वल आएगा, तो मतलब मुझे यहाँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स चाहिए, तो कर लेते हैं इसको ब्रेक। ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन टेन की पावर एट एक्स
secant square x into में secant square x dx, ठीक है, पावर 4 है, ब्रेक करके लिखा है। secant square x को मैं लिख सकती हूँ 1 plus tan square x, तो ये हो जाएगा tan की पावर 8x, 1 plus tan square x, ये as it is रखते हैं। क्यों रखते हैं, ये अभी मैंने बताया ही है। अब tan को अगर मैं t पुट कर लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालोगे तो secant square x हो गया dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो देखो secant square x dx की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँ, dt, और tan को तो मैंने t लिया ही है, तो t की पावर 8, 1 plus t की पावर 2 और dt। अब इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, tan की पावर 8 प्लस tan की पावर 10 dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan की पावर 9 अपॉन 9 प्लस tan की पावर 11 अपॉन 11 प्लस सम कॉन्स्टेंट, t की जगह पर वापस क्या पुट कर दे, tan x, तो tan x पे क्या हो गया 9 अपॉन 9 tan की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको देखना है कि अगर आप tan को t पुट करोगे तो आपको पता है secant square मिल रहा है, आपके पास secant square मिल रहा है, तो tan को t पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन -1 से 1 x की क्यूब प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। एक चीज हमेशा याद रखना, ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस f ऑफ x के, तो उसको आप बोलोगे ओड फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं इसका ब्रेक करके लिखती हूँ, इंटीग्रेशन -1 से 1 x की क्यूब अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 अलग अलग करके रख लिया, सेपरेट करके लिखा है मैंने इनको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आप देखोगे, देखो ये जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन है, कैसे, ये तो चलो इवन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x आ गया यहाँ पे प्लस 1, मॉड x की वजह से ये इवन रहेगा, स्क्वायर की वजह से ये इवन रहेगा, तो पूरा फंक्शन इवन हो गया। लेकिन x की क्यूब करोगे जब आप f ऑफ माइनस x करोगे, तो x की क्यूब है तो माइनस का x की क्यूब हो गया, इक्वल नहीं हो गया ये माइनस f ऑफ x की, तो ये क्या हो गया ओड फंक्शन हो गया, ये पूरा ओड फंक्शन हो गया। तो मतलब जब कभी भी याद रखना, ओड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वो जीरो के इक्वल आता है, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, तो इसको आप डायरेक्ट बोलोगे ये क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 2 times 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट x लिख लेती हूँ, क्योंकि 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये वाला, तो x प्लस 1 कर दूँ मैं इसको डायरेक्ट, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मोड x को मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1 में चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 times integration 0 से 1, ऊपर तो x प्लस 1 है, नीचे आप नोटिस करोगे ये x प्लस 1 का स्क्वायर है dx, एक से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इंटीग्रेशन 2 times 0 से 1 dx अपॉन में x प्लस 1, ये क्या है log x प्लस 1 आ जाएगा, 2 times log x प्लस 1, और इंटीग्रेशन लिमिट चल रही है 0 से 1, पुट करो 2 log 2 आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चेक याद रखना, ओड फंक्शन क्या होता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस f ऑफ x के, तो उसको आप ओड फंक्शन बोलोगे, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है,
ज़ीरो होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन माइनस टू से टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स, इसका मोड गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये आपको दिख रहा है इवन फंक्शन है मॉडुलस की वजह से, तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। देखो कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, टू टाइम्स जीरो से टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब नोटिस करोगे एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, जब ये जीरो से टू के बीच में है तो मॉडुलस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स है। देखो जब ये जीरो से वन बाय टू के बीच में होगा तब वैल्यू क्या होगी, तब ये जो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। जब जीरो से वन बाय टू के बीच में रहेगा तो कोस पाई एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कोस पाई एक्स। ठीक है, अब वन बाय टू से थ्री बाय टू के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, इस केस में कोस पाई एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स कोस पाई एक्स। ठीक है, और 3 बाय टू से कहाँ जाना है हमें, 2 तक, तो क्या आ जाएगा 3 बाय टू से 2 के अंदर फिर से cos पाई x क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे x cos पाई x। फंक्शन ब्रेक करना आ गया तो आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अब कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन चलेगा आपका 0 से 1 बाय टू x cos पाई x प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय टू से 3 बाय टू माइनस का कोस, माइनस यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, प्लस 3 बाय टू से 2 कोस पाई एक्स, साथ में आपका एक्स है ही इसके साथ, ठीक है, डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना सबको आता है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आएगा। x को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मानती हूँ और cos पाई x को सेकेंड, देखो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, मैं हल थोड़ा सा बता देती हूँ, एक पार्ट का बता देती हूँ, नेक्स्ट आप कर लेना। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो x एज इट इज cos पाई x का हो जाएगा sin पाई x अपॉन पाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का तो डिफरेंशिएशन करोगे 1 साइन पाई x अपॉन x एज इट इज। ठीक है, यहाँ से क्या आया x साइन पाई x अपॉन पाई माइनस साइन पाई x का इंटीग्रेशन cos पाई x, वो भी माइनस का साइन के साथ, तो प्लस अपॉन में पाई, सॉरी यहाँ पाई था, पाई स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे x cos pi x का तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो एक बार लिमिट पुट कर देना 0 से 1 बाय टू, एक बार लिमिट पुट कर देना 1 बाय टू से 3 बाय टू, एक बार कर देना 3 बाय टू से 2। ठीक है, आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो मैं बता देती हूँ, आंसर आएगा आपका 8 अपॉन पाई। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगी। मैंने इतना तो बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन करोगे x cos पाई x का तो वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू आएगी, तो अब आपको लिमिट पता है, एक बार 0 से 1 बाय टू पुट करनी है, फिर एक बार 1 बाय टू से 3 बाय टू पुट करनी है, और एक बार 3 बाय टू से 2 वैल्यू पुट करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर 8 बाय पाई आएगा। ठीक है, इसको आप कोशिश करना खूब ट्राई करने की, नहीं होता है तो फिर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी देखिए एक और इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ ले वो, और लेकिन अब की बार लिमिट चले आपकी माइनस वन से वन, लिमिट कहाँ से कहाँ जाए, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, तब आप फंक्शन को फिर वही करोगे, पहले इसको स्प्लिट करके लिखोगे, कैसे लिखोगे, जीरो से वन लिमिट, क्योंकि इवन फंक्शन है, एक्स कोस वाई एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है।
अब आपको पता है देखो, 0 से 1 बाई 2 में ब्रेक होगा एक बार तो, और एक बार ही फिर क्या करोगे 1 बाई 2 से 1 में, यही होगा क्योंकि 1 तक जा रहा है। अभी मैंने बताया इस केस में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो x cos पाई x। इस केस में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस पाई x cos पाई x। फंक्शन की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया ही है, 0 से 1 बाई 2 में आप करोगे x cos पाई x, माइनस का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 से 1 में करोगे x cos पाई x dx। वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन निकाल के, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 बाई पाई। ये आप चेक कर लेना, सोल्व कर लेना एक बार इसको, 2 अपॉन पाई आंसर आएगा। इंटीग्रेशन में बता चुकी हूँ, वैल्यू पुट कर लेना, देख लेना आप, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन 0 से 3 बाई 2 आ जाए वो भी देख लीजिए। ये तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0 से अगर 3 बाई 2 इंटीग्रेशन आ जाए तब कैसे करोगे, वही करोगे। एक बार 0 से 1 बाई 2 ब्रेक किया, 1 बाई 2 से इस बार 3 कर देना, 3 बाई 2 बस। और सिंपल सेम यही क्वेश्चन है, इसी ट्रिक से करोगे। और 0 से इंटीग्रेशन 3 बाई 2 आएगा तब आपका आंसर आएगा, तब आंसर आएगा आपका। देखिए इसका आंसर बता देती हूँ मैं, अगर इंटीग्रेशन 0 से 3 बाई 2 आएगा तो इसका आंसर आएगा 5 बाई 2 पाई माइनस का 1 बाई पाई स्क्वेयर। इसको सोल्व करके जरूर देखना आप, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो तीनों मैंने बता दिए हैं, इंटीग्रेशन करना बता दिया, इसके बाद सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेशन 0 से 3 बाई 2 में तो ये आंसर आएगा, माइनस 1 से 1 के बीच में था तो 2 बाई पाई आया था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। इफ कब, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो ये आपका रूल है। देखिए याद रखना ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, तो वही आप इससे ही बोल सकते हो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 10, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में है ई की पावर एक्स, इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा। इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो या कोई रूल भी बोल सकते हो, तो ये हमेशा याद रखना, अगर e की पावर x के साथ एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ रहा है और दोनों में प्लस का साइन है दोनों, ठीक है, तब उस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि आंसर आएगा e की पावर x एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन आ जाएगा। और देखिए जब इंटीग्रेशन चल रहा है तो प्लस में c तो आता ही है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, e की पावर x cos x माइनस साइन x। अभी आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन एफ एक्स है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। देखिए कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, सबको पता है ये तो आ तो रहा है। ये अगर आपका एफ एक्स है तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं आ गया, ये इसका डेरिवेटिव नहीं आ गया, तो बाय ट्रिक क्या बोलोगे, डायरेक्ट आंसर बोलोगे क्या आ गया, ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपके पास नीचे ऊपर क्या है, वन है, तो वन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। तब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वन है यहाँ पे तो वन की जगह पे आपने ये रख दिया, अपॉन में आपका ये चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोलोगे, देखिए
यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स, आपका हमने साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। समझ आया? कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल, सॉरी माइनस इंटू का साइन चल रहा है, साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कैंसिल। यहाँ पे आया वन अपॉन कोस स्क्वेयर मतलब सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका कोसिकेंट स्क्वेयर डी एक्स। अब हमें पता है सीकेंट का स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर का होगा माइनस का कोट एक्स और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन चल रहा है ए प्लस सी से बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, तो वो किसके इक्वल होगा। फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो ये आपके पास एक हिंट है कि आप इसमें पुट कर लेना x को t प्लस सी और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, किसी को अगर लर्न करना हो एग्जाम के लिए तो आप डायरेक्ट लर्न कर लेना। अगर इंटीग्रेशन चल रहा है a प्लस सी से b प्लस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वही चीज़ लोअर लिमिट में ऐड हो रही है वही अपर में, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका a से b एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फंक्शन क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, x प्लस सी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन है आपका 0 से 1 e की पावर t 1 प्लस g dt, अगर वो a के इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस t का फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, e की पावर t का सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखा और e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t रहेगा माइनस में, इंटीग्रेशन 0 से 1, अब e की पावर t तो एज इट इज रहेगा लेकिन इसका डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन 1 प्लस t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 प्लस t का होल स्क्वेयर और माइनस का साइन भी साथ में आएगा, तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, तो मैं इस माइनस माइनस को प्लस कर दूँ इधर ले जाके। समझ आया? अब इसकी वैल्यू कितनी गिव, इसकी वैल्यू क्या आ गई, e की पावर t अपॉन में वन प्लस t, इंटीग्रेशन चल रहा है जीरो से वन, ठीक है, प्लस में जीरो से वन e की पावर t अपॉन में वन प्लस t का होल स्क्वेयर। समझ आया? इधर आपका इंटीग्रेशन चल रहा था 0 से 1 e की पावर t अपॉन में 1 प्लस t, अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या गिवन है a, तो इसकी वैल्यू a लिखी इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करो, जब 1 पुट करोगे तो e की पावर 1 e, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 e अपॉन 2, 0 पुट करो माइनस में 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 और ये अपॉन में 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया प्लस में, इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर t ओवर 1 प्लस t का होल स्क्वेयर। इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, तो इस सारे टर्म को इधर ले जाऊं, क्या बना a माइनस आ जाएगा e बाई टू और ये माइनस का साइन है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इक्वल है आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर t ओवर 1 प्लस t के होल स्क्वेयर के, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं क्वेश्चन बेस्ड वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।